यीशु सहाय। दोस्तों, यदि तू जाना होता तो अब भी तुम्हारा दिन सुखी होता, पर अब वे दिन तुम्हारे हाथों से निकल चुके, क्योंकि अभी ऐसा दिन आने वाला है जबकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर के चारों ओर खाई खोदेंगे और घेर लेंगे, फिर चारों ओर से तुम्हें दबाएंगे, तुझे और तेरे बालक बालिकाओं को जो तेरे पास आए मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तू ने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। लुका 19:42-44। जैतून पर्वत से यीशु ने यरूशलेम नगर को देखा। उसके सामने सुंदर और शांत वातावरण का दृश्य फैला हुआ था। यह फसा पर्व का समय था। याकूब की संतान उस समय राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए सारे नगरों से जमा हुए थे। बाग बगीचों और हरियाली तराइयों के बीच यात्रियों के तंबू ऐसे खड़े थे मानो पर्वतीय घरों के चबूतरे हों, या उनकी राजधानी का एक दृढ़ गढ़ के समान भी लग रहा था। सियोन की कनिया गर्व से कह रही है कि मैं एक रानी जैसे बैठी हूँ और मुझे उदास नहीं होना है। उस समय बहुत सुंदर लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वर्गीय पिता की कृपा उस पर है और वह सुरक्षित है, जिसे युगों पहले स्वर्गीय सेनकों ने गया था। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का हर्ष का नगर उत्तरीय सिरे पर है। भजन संहिता 48:2। मंदिर की आलिशान इमारत पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। डूबते हुए सूर्य की रोशनी बर्फ जैसे श्वेत संगमरमर के दीवालों पर पड़ने से मंदिर के फटाक और ऊंची चोटियां सुनहले रंग में चमक रही थी। सुंदरता से परिपूर्ण यहूदियों का यह मंदिर गर्व के चिन्ह के रूप में खड़ा था। इजरायलियों का कौन सा ऐसा बच्चा था जो इसकी सुंदरता को देखकर आनंद विभोर नहीं होता था। परंतु यीशु के मन में कुछ दूसरा ही विचार उठ रहा था। जब वह मंदिर के नजदीक आया तो उसे देखकर रो पड़ा। लुका 19:47। राष्ट्रव्यापी विजय जुलूस के साथ जब वह नगर में प्रवेश कर रहा था, उस समय खजूर की डलियां हिलाते हुए आनंद से होसाना की जय ध्वनि करते हुए हजारों लोग उसके स्वागत के गीत गा रहे थे, जो पर्वतों से प्रतिध्वनित हो रही थी कि यह हमारा राजा है, हमारा उद्धारकर्ता है। लेकिन अचानक इस आनंद के बीच में उदासी उसके चेहरे पर छा गई। वह ईश्वर का पुत्र होने के साथ इसराइलियों के उद्धार के लिए वचा का पुत्र भी था, जिसकी बोली की शक्ति से मुर्दे जिलाए जाते थे, पर अभी उसी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। यह एक साधारण शोक का कारण नहीं था, परंतु एक अनियंत्रित वेदना या शोक का दबाव था। उसके आंसू अपने लिए नहीं बह रहे थे। जब भी वह जानता था कि उसके पांव गेत्समानी बारी का कष्ट सहने के लिए बढ़ रहे थे, उसके सामने गेत्समानी का भयंकर संकट दिखाई दे रहा था। शताब्दियों से भेड़ों को बलिदान करने के लिए जिस भेड़ फटक से प्रवेश कराया जाता था, वह भी उसकी आंखों के सामने था। उसे भी बलिदान करने के लिए ईश्वर के मेमने के रूप में जब लाया जाएगा, उस समय वह फटक उसके लिए भी खोला जाएगा। यशायाह 53:7। क्रूस में घात होने का कलवरी पर्वत ज्यादा दूर नहीं रह गया था। जिस रास्ते पर ख्रिस्त को चलना था वह भयानक और अंधकारमय था, क्योंकि उसको स्वयं पाप के लिए बलिदान होना था। इन सब दृश्यों को देखकर भी उस आनंदमय घड़ी में उसको उदास होकर रोना पड़ा। यह इसका कारण नहीं था। मनुष्य से ऊपर होने पर भी यह डरावनी धमकी उसके स्वार्थहीन आत्मा को हिला नहीं सकी। वह उन हजारों यरूशलेम वासियों के लिए जो नाश होने जा रही थी रोया, क्योंकि वह उन्हें आशीष देने और बचाने के लिए आया था, परंतु अपनी अज्ञानता और अपश्चातापी हृदय के कारण नष्ट होने की चोटी पर पहुंच गए थे। 1000 वर्ष से भी अधिक का इतिहास बतला रहा था कि वे ईश्वर के विशेष चुने हुए लोग में से थे। यह बात यीशु को मालूम था। मोरिया पर्वत पर जहां वचा का पुत्र बिना कुछ विरोध किए बंधा जा बलिबदि पर चढ़ाया गया था, उस पुत्र का बलिदान होने की प्रतीक्षाई थी। इसी स्थान पर आशीष का वचा गौरवपूर्ण मसीह के कामों की प्रतिज्ञा विश्वास के पिता अब्राहम को इसी ईश्वर के दिया गया था। बलिदान की अग्नि लहर और नाम के खलिहान से स्वर्ग की ओर उठ रही थी। उसी ने नाश करने वाले स्वर्गदूत की तलवार को किनारे हटा दिया। यह यीशु मसीह के बलिदान और पापियों के पश्चाताप करने का सही प्रतिबिंब को दिखाता है। यरूशलेम पृथ्वी पर सब नगरों से परमेश्वर को अधिक पसंद लगता था। ईश्वर ने सियोन को चुना था, वह उससे अपना वास स्थान बनाना चाहता था। संहिता 132:13।
इसलिए पवित्र नबियों ने युगों से उसको चेतावनी का संवाद दिया था। पुरोहितों ने धूप जलाने के पत्र का प्रयोग किया था और उनकी प्रार्थना रूपी सुगंध का धुआं ऊपर उठकर ईश्वर के पास जाता था। यहाँ प्रत्येक दिन बाद किए हुए मेमने का जो लहू चढ़ाया जाता था, यह दिखाता था कि एक दिन यीशु जो ईश्वर का मेमना है उससे भी बलिदान होकर खून बहाना पड़ेगा। वहाँ सिकाना प्रेषित के ढक्कन के ऊपर वह महिमा के बदल से आकर अपनी उपस्थिति का परिचय देता था। वहाँ रहस्यमय सीढ़ी खड़ी रहती थी जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ती थी। उसी सीढ़ी पर स्वर्गदूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते थे। यहीं से जगत के लोगों के लिए परम पवित्र के पास जाने का रास्ता खुला था। यदि इसराइली लोग ईश्वर के प्रति विश्वासी बने रहते तो यरूशलेम सदा ईश्वर के चुने हुए लोग से भरा रहता। यिर्मयाह 17:21-25। परंतु इन लोगों का इतिहास बहुत खराब निकला। वे विरोधी और पापी बने। उन्होंने स्वर्गीय अनुग्रह का इनकार किया, अपने अधिकार को खो दिया और सुअवसर को बिगाड़ डाला। यद्यपि इसराइल ने परमेश्वर के संवाददाताओं का हंसी मजाक किया, उसके वचनों का तिरस्कार कर उसके नबियों को तुच्छ जाना, फिर भी उसने उनके बीच में प्रकट किया। वह तो अनुग्रह करी और दयालु ईश्वर है, सहनशील, भला और सच्चाई में असीम ईश्वर है। यिर्मयाह 34:6। बार बार इनकार करने पर भी उन पर करुणा करना न छोड़ा। पिता के पुत्र प्रेम से भी अधिक दया दिखाकर अपने संवाददाता को उनके पास जगाने के लिए संदेश भेजा, क्योंकि वह उन पर और उनके निवास स्थान के प्रति सहानुभूति रखता था। दूसरी इतिहास 36:15। जब उसकी सलाह, प्रार्थना और डांट व्यर्थ हुए तो उसने स्वर्ग का उत्तम दान उन्हें दिया। जी हाँ, उसने उस एक ही दान में स्वर्ग का सब कुछ उंडेल दिया। ईश्वर का पुत्र खुद उस अपश्चातपी नगर या हट्टी निवासियों को समझाने आया था। यीशु ख्रिस्त ही था जिसने मिस्र देश से इसराइलियों को ईश्वर भक्त दखलता के रूप में लाया था। 85:8। उसने स्वयं गैर ईसाइयों का वहां से निकाल बाहर किया था। उसने उन्हें एक फलदायक पर्वत में रोपा था। उसकी देखभाल स्वयं ईश्वर करता था। उसके दासों को उनकी देखरेख करने के लिए भेजा गया। मेरी दखलता के लिए इससे बढ़कर और अधिक क्या किया जा सकता था। वह आश्चर्यकर कहता है कि क्या करना बाकी रह गया था जिससे मैंने नहीं किया। ऐसे 5:1-4। उसने आशा की थी कि इसे उत्तम अंगूर मिले पर बदले में जंगली अंगूर मिले। इतना होने पर भी वह अच्छे फलों की आशा लेकर अपने दाग की बारी में आया जिससे संभवतः नष्ट होने से बचाया जा सके। इस दखलता के पौधों के चारों ओर गड्ढा खोदकर खाद डाली गई। इसकी लताओं को कलम किया गया। जिस दखलता को उसने लगाई थी उसकी हिफाजत करने में अथक प्रयत्न किया। दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगले एपिसोड में फिर आप मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।